हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। हरियाणा न्यूज देखण लाग रहे सो आप मैं सोनिया सत्यानीत आप सबका स्वागत करूं सु मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगड़दे के हरियाणा में। तो चलो चौगड़दे की खबर की शुरुआत करांगे। दशकों पुराने अयोध्या मामले की सुनवाई खातर सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी घड़ी आ गई है। दशहरे के हफ्ते की छुट्टी के बाद आज संविधान पीठ ने 38वें दिन इस मामले में सुनवाई करी। अयोध्या मामले पर सुनवाई खातर यो आखिरी हफ्ता से। इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव दवंत आज दलील खत्म करने खातर कहा। तो इस पर दवन ने न्यू कहा से कि यो संभव नहीं हो पावेगा। तो वहीं दवन ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के हिंदू पक्षकारा की गेल्या पहली कतार में बैठने पर आपत्ति जताई। दवन ने भी कह सके जब किसी दूसरे ने विजिटर गैलरी तक गाने की अनुमति नहीं सहते इन्हें क्यों आगे बैठने दिया जा रहा है। कोर्ट ने अनुशासन बरकरार रखना चाहिए। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी कुछ नहीं बोले। दवन ने भी कह सके किसी एक ताई जब विशेष छूट मिले से तो दूसरे लोग इसका फायदा उठावे से। तो उधर फैजाबाद के डीएम अनुज कुमार झा ने सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या में 10 दिसंबर ताई धारा 144 लागू कर दी से। 37वीं सुनवाई में अदालत ने सारे पक्षों ताई 17 अक्टूबर ने बहस खत्म करने का निर्देश दिया था, लेकिन इससे पहले 18 अक्टूबर की तारीख तय करी गई है। कोर्ट ने अंतिम चरण की दलील खातर कार्यक्रम निर्धारित करते हुए उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलील पूरी करेंगे। इसके बाद हिंदू पक्षकारा तक जवाब देने 16 अक्टूबर तक 2 दिन का टाइम मांगा जाएगा। इसके बाद करीब 4 हफ्ते तक फैसला लिखा जाएगा। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सीएम मनोहर लाल के सोनिया गांधी पर दिए गए बयान पर पलटवार कराया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना सीएम खातर कोई नई बात को नया। उन्हें सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर नारी समाज का अपमान कराया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि सीएम की मानसिकता के कारण प्रदेश क्राइम कैपिटल बन रहा है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तुलना मरी हुई चुईया तक करी थी। तो पप्पू एक मम्मी दोनों की अलग पार्टियां हो रही है। पहले पप्पू चौधरी था, उन्हें कहा जी लोकसभा के चुनाव हारने के बाद मैं नहीं रहता अध्यक्ष। राहुल बाबा ने अध्यक्षता छोड़ दी और कहने लगा कि भाई नया अध्यक्ष लाओ। कौन लाओ? गांधी परिवार से बाहर का लाओ। हमें लगा बात तो अच्छी है, परिवारवाद से दूर हटना ये अच्छी बात है। हट जाए तो आखिर दूसरे विरोधी आदमी की अच्छी बात की भी सराहना करनी चाहिए ना, करनी चाहिए कि नहीं? अब अच्छी बात थी, लेकिन ये लोग सारे देश में लगे घूमने कि कांग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, इनको नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा सा मिल जाए। ढूंढते ढूंढते 3 महीने बता दिए और 3 महीने बाद कौन बढ़िया, कौन बढ़िया? सोनिया गांधी। फिर वही गांधी परिवार के खोदा पहाड़ निकली चुईया और वो भी मरी हुई। महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी आपने जो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति जो ओछी टिप्पणी की है उससे उनके लिए नहीं आपने पूरे नारी समाज का एक घोर अपमान किया है। आप जैसी मानसिकता के कारण ही आज हरियाणा क्राइम कैपिटल कहलाने लगा है, देश में नंबर 1 कहलाने लगा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपकी इस तरह की टिप्पणियां हरियाणा की महिलाओं और पूरे समाज की महिलाओं को किस तरह से दर्शाता है। कांग्रेस अब आधी आबादी की आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप तैयार रहिएगा, 21 अक्टूबर को ये आधी आबादी आपको करारा जवाब देने वाली है।
पलवल में बस स्टैंड के दौरे तेज रफ्तार दूध तबर एक कैंटर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव ने पोस्टमार्टम खातर भेज के मामले की जांच करते हुए आरोपी गिरफ्तार करे। फिलहाल पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, सर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। अपने एनसीडी में नौकरी कर रहे थे, अभी पिछले साल रिटायरमेंट हुआ है। ये बल्लभगढ़ से अपने कुछ दवाई लेकर आ रहा था और जैसे बस स्टैंड से अपने आगे निकला, थोड़ा आगे चल के कुछ पीछे से टैंक आया दूध का भरा हुआ और इसके ऊपर चढ़ गया था, जिसे मौके पे ही खत्म हो गया। और मौके पे हम भी मौके पे पहुँच गए थे, मौके पे ड्राइवर को पकड़ लिया और गाड़ी को पकड़ लिया, ड्राइवर को आज फेस करेंगे। के स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई, पलवल की खबर से जड़े कैंटर चालक ने एक मानस से जान लाग रहा था, उसकी स्कूटी का टक्कर मारी और फिर उस मानस की मौके पर मौत हो गई। फिर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया से और आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया से। हालांकि उस मानस की जिसकी स्कूटी का टक्कर लगी वो मौके पर मर गया, फिर पुलिस ने उसका शव जो से पोस्टमार्टम खातर भेज दिया और फिर उसके बाद जो चालक था वो भी पकड़ लिया। तो कैंटर ने स्कूटी का टक्कर मारी, स्कूटी सवार कुचल दिया, फिर स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। तो आपने बता दें कि कैंटर चालक ने स्कूटी सवार मानस का टक्कर मारी और वो मानस मौके तय मर गया। फिर पुलिस ये आए, उनने यु मानस का जो शव से वो पोस्टमार्टम खातर भिजवा दिया, फिर उसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर ली। तो पलवल तया खबर जो सशा में आई से कैंटर ने स्कूटी सवार कुचल दिया। तो तेज रफ्तार का कहर क्यूकर देखने ने मिल रहा से, तेज रफ्तार जो गाड़ी आमस है वे क्यूकर किसी एक मानस की जान जो सेकंड में ले ले से। तो आप भी इस खबर तय देख सको सो कि क्यूकर तेज रफ्तार का कहर जो से लोगा की जिंदगी पर भारी पड़न लाग रहा है। सड़का पर दौड़ती हुई गाड़ी, सड़का पर रेंगती हुई गाड़ी किसी न किसी की रोज जान लेन दी चालने से। तो इसी या जान लेन वाली खबर पलवल तय शामी आ रही से, जड़े कैंटर चालक ने एक स्कूटी सवार मानस का टक्कर मार दी और स्कूटी पर जो मानस था उसकी मौके पर मौत हो गई। फिर गनीमत इस बात की से कि पुलिस भी टाइम पर पहुंच गई और मानस संभाल लिया, लेकिन पुलिस ने मौके पर देख के शव पोस्टमार्टम खातर भी भिजवाया है। और इस बात में न्यू भी कह सका सा कि पुलिस ने टेम तक अपनी जो कार्रवाई है वह भी बहुत अच्छे डाला तक करी है, लेकिन वह इस मानस की जान नहीं बचा पाए। जहां तक कैंटर चालक जो है उनने ये जो मानस है वो कुचल दिया था। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चालो बड़ा खबर की ओर, रिया खबर पलवल तश्यामियारी से। पलवल की अनाज मंडी में बाजरे की और धान की खरीद शुरू हो गई से। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल ने न्यू बताया था कि मंडी में ये बताई 452 क्विंटल बाजरे की खरीद होगी। सरकार ने बाजरा का समर्थन मूल्य 2000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कराया और मंडी में 1500 किस्म का धान भी आ रहा है, जिसकी प्राइवेट खरीद करी जा रही से। मंडी में ये बताई 35000 क्विंटल धान की खरीद हो रही है। बाजरा की खरीद ने लेकर धान की खरीद ने लेकर अलग अलग गांवों की स्लैब बनाई गई है और बारी बारी सर जिस भी गांव का नंबर आवेगा उस गांव के किसान मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचना दी जाएगी। इसके बाद मंडी में बाजरे की खरीद करी जाएगी, धान की खरीद करी जाएगी। किसान सूचना के आधार पर मंडी में आकर बाजरे की खरीद करवावेंगे। उन्हें किसान अपील करते हुए भी कहा कि किसान बाजरे ने सुखा कर लेकर आवे ताकि किसान तई उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और किसानों ने बाजरा की खरीद के दौरान कोई परेशानी नहीं हुए। मार्केट कमेटी की ओर से किसानों खातर पीण का स्वच्छ पानी ठहरण तय इंतजाम करे गए से। किसानों अपील भी करी गई से कि किसान मंडी में आकर गेट दौरे, गेट पास भी बनवा ले। मंडी में धान की खरीद ने लेकर आड़तियां तई भी दिशा निर्देश दिए गए से। न्यू कहा गया से कि मंडी में धान ने लेकर आने वाले किसानों अपील करी जा रही है अगर धान की फसल ने सुखा कर मंडी में लेकर आवे सूखी हुई फसल का उचित रेट किसानों ने मिलेगा। न्यू भी कहा कि धान की खरीद के बाद उठान
ताई एजेंसियां ते निर्देश दे दिए से मंडी में धान की खरीद के दौरान किसानों ने कोई परेशानी नहीं होगी। जो हमारे यहाँ अभी तक धान की आवक हुई है 15.09 है और लगभग 35,000 क्विंटल के करीब धान की खरीद हो चुकी है, जिसका रेट 2500 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों से यही है कि वो अपनी जो भी फसल लाए मंडी में वो सुखाकर साफ करके लाएं, जिससे कि उन्हें अच्छे रेट मिल सके। धान की आवक आ रही है मंडी में, तो इसके लिए जितने भी खरीदार हैं वो प्राइवेट हैं और धान जो भी परचेज होता है वो उसी दिन शाम को लगभग मंडी से प्राइवेट खरीदारों द्वारा मिलरों के द्वारा उठा लिया जाता है। करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा ने बीते दिन नए बस स्टैंड पर पेशी पर आए आरोपी और पुलिस आड़े का गोली मारकर अपनी साथी खीरा ने पुलिस कस्टडी तक फरार करके ले जाने वाले गैंग गिरफ्तार कराया है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और आरोपी किसी बड़े गैंग से ताल्लुक रखे से। सीआईए पुलिस के इंचार्ज दीपेंद्र राणा ने बताया कि यमुनानगर जेल में बंद खीरा नाम का आरोपी करनाल में पेशी खातर लिया गया था। पेशी के दौरान खीरे के साथी पुलिस आड़े पर गोली चलाकर खीरे ने लेकर फरार हो गए। फरार चल रहे गैंग के लोगों ने उस दौरान हत्या और लूटा की वारदात ने अंजाम भी दिया था। फिलहाल पुलिस आज पकड़े गए आरोपियों ने जेल में भेजेगी। ये पिछले इस साल मई में खीरा नाम का एक जो अंडर ट्रायल क्रिमिनल था उसको पुलिस कस्टडी से भगा लिया गया था। उसको जो भगाने में जो साथी थे उनको आज हमने अरेस्ट किया। उनको इसमें से पहले एक मंजीत बिना नाम का लड़का ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। आज हमने अंकुश कमालपुर खीरा जो कस्टडी से भागा था उनका अन्य एक साथी अंकित पंडित उनको गिरफ्तार किया। एक तो कस्टडी से भागने का था, उसके बाद ये इन्होंने सोनीपत में क्राइम किया, दिल्ली में क्राइम किया। हाँ, वहाँ मुलाजिमों को गोली मारकर वो छुड़ा के ले गए थे कस्टडी से, तो मुलाजिम उसमें इंजर्ड हुए थे उनको छुड़ा के। फिर ये कितने लोग अब तीन आरोपी हैं। सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया में स्थापित पारद शिवलिंग का अनोखा रूप देखने में मिला है। जड़ा शिवलिंग आज अचानक गहरे नीले रंग में तब्दील हो गया, जिसके बाद श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन करने खातर भारी संख्या में कुटिया में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि साल 2009 में भी शिवलिंग का रंग न्यू बदल गया था, जो श्रद्धालुओं खातर किसी भी चमत्कार तक कम कोने से। वही बाबा तारा और भगवान भोलेनाथ में टूट आस्था रखने वाले लोग इसमें साक्षात नीलकंठ के दर्शन तक जोड़कर देखने लग रहे हैं। इस दौरान कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के पुत्र धवल कांडा न्यू बताया है कि उनके परिवार की बाबा तारा में अटूट आस्था से और इस चमत्कार ताई वह नमन करें से। तो वहीं श्रद्धालुओं ने न्यू भी बताया है कि श्री बाबा तारा कुटिया में बाबा जी की समाधि का दौरा है पारद शिवलिंग स्थापित है। जड़ आम तौर पर इसका रंग सुनहरी रहा करे, लेकिन आज एकदम गहरे नीले रंग में शिवलिंग बदल गया। शिवलिंग पारद का शिवलिंग श्री तारा बाबा जी के तारकेश्वर धाम में स्थापित है। इसकी महिमा एक ऐसी महिमा है कि 2009 में जब भाई गोपाल कांडा जी के इलेक्शन की काउंटिंग थी, उस टाइम सुबह ये मिला हुआ था, आशीर्वाद दिया था नीलकंठ भगवान ने, विजय भाई का आशीर्वाद। उसके बाद 2014 में जिस टाइम काउंटिंग थी उस टाइम ये सोने का हुआ था, जैसे ताज का मुकुट होता है, लेकिन अब 2019 में ये आज फिर शिवलिंग स्वयं नीलकंठ महादेव जी यहाँ पर विराजे हैं, आए हैं हमारे बीच में, संकेत दे रहे हैं कि वे 2009 का समय आशीर्वाद देते, 2019 में भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। तारा बाबा जी एक शिव जी के रूप हैं, लाखों जनता लाखों जनता आती है हर सोमवार को, मंगलवार को, वीरवार को, रविवार को, ऐसा भंडारा लगा होता है, हजारों जनता लाखों जनता आती है। तुम्हारे इस खास बुलेटिन में इतनी है खबर, से देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम।